नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे ग्रामीण डाक सेवक का सबसे भरोसेमंद चैनल। दोस्तों हमारे साथ 40,000 GDS अब जुड़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। दोस्तों आज बात करेंगे कि किस तरह GDS का जो नए लोगों का सैलरी हो और पुराने GDS यानी सीनियर वरिष्ठ GDS का सैलरी हो, फ़र्क इतना कम है कि ये एक रिपोर्ट फालतू या फिर बेकार कहा जा सकता है। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नोटिस करने से पहले ही हमने आपको बता दिया था, 2 से 4 हफ्ते पहले हमने आपको बताया था किस तरह से सीनियरिटी और जूनियरिटी में फ़र्क नहीं रखा गया है। सीनियर और जूनियर में कोई फ़र्क नहीं है, पैसे का फ़र्क सिर्फ 700 से 800 रुपए है। ये प्रूफ करने के लिए हम आपको अभी आगे वीडियो दिखाएंगे दोस्तों, आइए। तो इसीलिए दोस्तों आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपको दिखाएंगे किस तरह का सैलरी है और किस तरह ये कैलकुलेट किया गया है और ये गलत है। और आपको पता रहना चाहिए कि हमारा जो GDS रिपोर्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में अभी जा चुका है ये सारी चीज़ों में सुधार करने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये है एक सैलरी स्लिप जिनका 12 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, यानी नए GDS यहाँ पर कह लीजिए कुछ साल हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पे 12,000 DA 720 रुपये यानी DA मिलाया गया है 720 रुपये, और CA यानी कंपोजिट अलाउंस सभी को ऐड करके आपको पता है 1600 रुपये बनता है, ये रिपोर्ट में है। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 500 रुपये, स्टेशनरी चार्जेस 25 रुपये, और इंक्रीमेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, इंक्रीमेंट है 720 यानी 2017 का इंक्रीमेंट और 18 का इंक्रीमेंट, क्योंकि 2016 से हमारा रिपोर्ट यहाँ पे लागू होने की बात थी, वहाँ से पैसे कैलकुलेट होंगे। तो 720 रुपये होके यहाँ पे टोटल बन रहा है 1,656। डिडक्शन होते हैं 1,000 रुपये काट दिए जाए तो जो इन हैंड सैलरी बन रहा है यानी टेक होम पे हो रहा है 14,656 रुपीज़, ये है आपका इन हैंड पे डिडक्शन होते हैं, मैक्सिमम 1,000 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो पूरा आपने कैलकुलेशन देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, हमने 12 साल के कम सर्विस वालों का कोई एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं है, बस 17 में जो इंक्रीमेंट लगना है 18 में जो इंक्रीमेंट लगना है, तो 2 इंक्रीमेंट 3% प्लस 3% 720 रुपये हो गए, ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अब बात करते हैं दोस्तों जिनका 12 साल से ज़्यादा हो गया है, तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों जिनका 12 साल से ज़्यादा हो गया है बाकी सब कुछ सेम रहेगा, डिडक्शन भी सेम रहेगा, बस इंक्रीमेंट यहाँ पे दोस्तों कितना होगा, एक है 2017 का, एक है 18 का, प्लस इनका जो इंक्रीमेंट है आपको पता होना चाहिए 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलते हैं यानी 4 इंक्रीमेंट 3% 3% 3% 3%, तो टोटल कितना बनता है दोस्तों यहाँ पे 1,440 रुपये, ये है इनका इंक्रीमेंट। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 16,285 हुआ। तो इन हैंड सैलरी जो बन रही है टेक होम पे वो हो रहा है 15,285 यानी 700 रुपये ज़्यादा है। तो 12 साल करने के बाद अगर सिर्फ 700 रुपये बढ़ रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए, ये एक बेकार रिपोर्ट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 12 साल काम कर लिए, अब नेक्स्ट जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आएगा वो आएगा 24 साल में, 24 साल वालों का क्या होगा दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों GDS रिपोर्ट के अनुसार जिनका भी 24 साल हो गया है उनको 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे, यानी 4 इंक्रीमेंट प्लस 2017 और 18 के इंक्रीमेंट, टोटल 6 हो गए दोस्तों, 4 और यहाँ पे 2 साल का हमारा इंक्रीमेंट जो रह गया है, तो सब मिला के 6 इंक्रीमेंट हो गए। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं हमने कैलकुलेट किया है इंक्रीमेंट इनका बनता है 2,160 रुपये, तो टोटल सैलरी हो जाती है 17,000 और 1,000 कटने के बाद 16,000 हाथ में आते हैं। तो दोस्तों क्या ये सही है, 24 साल काम करने के बाद 16,000 रुपये यहाँ पे बन रहे हैं, क्या ये सही बैठ रहा है, आपको डिसाइड करना है रिपोर्ट सही है या बेकार। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे सीनियर यानी 36 ईयर जिनके हो गए हैं इनका क्या बनेगा दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे चीज़ें सेम है, इंक्रीमेंट का सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 36 ईयर जिनके कंप्लीट हो जाते हैं उनको GDS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 इंक्रीमेंट डालने हैं, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट 6, और यहाँ पे हमारा 2017 और 18 का 2 इंक्रीमेंट, तो आपको 6 प्लस 2 8 इंक्रीमेंट यहाँ पे बनता है। तो 8 इंक्रीमेंट डालने के बाद हमने कैलकुलेट किया 8 इंक्रीमेंट इनटू आपका जो बेसिक पे होता है, तो इसके बाद आपका इंक्रीमेंट निकल जाता है, तो ये निकला है दोस्तों इंक्रीमेंट है 2,880। तो इस हिसाब से टोटल पे आपका बन रहा था 17,725 और 1,000 डिडक्शन होने के बाद 16,725 रुपये। तो दोस्तों ये आपने कैलकुलेशन कर लिया, देख रहे हैं आप 700-800 से ज़्यादा फ़र्क नहीं है जूनियर और सीनियर में, तो ये किस तरह का कैलकुलेशन है आपको सोचना है और ख़ुद आपको देखना है ये GDS रिपोर्ट सही है या गलत। धन्यवाद।